हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फन। आज मैं आपको बताऊंगी बन गार्लिक पिज्जा कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। इसके लिए सबसे पहले दो बड़े चम्मच बटर मैंने ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा ब्लैक पेपर, ये गार्लिक मैंने 6-7 जो क्रश करके रख लिया है, ये थोड़े से ऑरेगानो जिसे हम लोग पिज्जा पे डालते हैं। अब इनको खूब अच्छे से मिला लेंगे। बटर में सब कुछ मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे एक तरफ रख देते हैं। ये बन मैंने दो लिए हैं जिसे मैंने बीच से कट करके पहले से ही रख लिया था। अब इसमें सबसे पहले पिज्जा सॉस लगाएंगे। आप इसकी जगह टोमेटो केचप भी लगा सकती हैं। इसी तरह सब पर लगा लेंगे। मैंने सॉस लगा लिया है। अब इसका जो मैंने गार्लिक बटर तैयार किया हुआ है इसको लगा लेंगे। इस तरह से ये गार्लिक बटर मैंने लगा लिया है। वैसे तो बच्चों को बाहर का खाना बहुत ही पसंद आता है, खासतौर से जंक फूड। अगर बच्चे जंक फूड के लिए जिद करें तो आप इसे घर में जरूर एक बार ट्राई करिए। ये बहुत ही अच्छा और मजेदार बनता है। अब इसके ऊपर कटी हुई शिमला मिर्च जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप शिमला मिर्च की जगह और भी कोई सब्जी चाहे तो डाल सकते हैं। मशरूम यूज कर सकती हैं। मैंने शिमला मिर्च यूज किया है। अब थोड़े बारीक कटे प्याज, बिल्कुल पिज्जा की तरह ये लगेगा। अब इसके ऊपर टमाटर, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैंने इस टमाटर और शिमला मिर्च और प्याज सब उसके ऊपर डाल दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो आप नहीं डालें, इससे थोड़ा इसका स्वाद चटपटा हो जाएगा। अब इसके ऊपर मोजरेला चीज ग्रेट कर लेंगे। मोजरेला चीज इस पे ग्रेट कर रहे हैं। चीज तो पिज्जा में ज्यादा लगता ही है, आप अपने हिसाब से डालिए, जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा लगेगा। ये देखिए मेरे बन तैयार हो चुके हैं। तवा गर्म करती हूँ, फिर उस पर रखती हूँ। तवा को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे, इसे ऐसे फैला देंगे। अब इसके ऊपर अपने बन रखेंगे। अब इसे ऐसे रख देते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिएगा। लो फ्लेम पे रख दिया। अब इसे बिल्कुल मैंने पिज्जा बन को
तवा पे रख दिया है। अब इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखते हैं। चले उठाए, 5 मिनट मेरे हो चुके हैं। ये देखिए चीज बिल्कुल गल चुका है, पिघल गया पूरा। अब इसे ट्रे में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना देखने में सुंदर है और खाने में उतना ही चटपटा है। अब बच्चों को जब भी इसे देंगे बच्चे खुश हो जाएंगे और आपके खाने के फैन हो जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। आप अपने बच्चों को जरूर खिलाइए और एक बार घर में जरूर इसे बनाइए। और मेरा बन गार्लिक ब्रेड पिज्जा तैयार हो चुका है। आप इसे घर में एक बार जरूर ट्राई करें और अपने बच्चों को भी खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।